कैथल में आज देर शाम जब पुलिस लॉकडाउन के लिए गश्त कर रही थी तो उन्होंने अम्बाला रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की और वहां से चार लड़कियां और दो लड़कों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और स्पा सेंटर का मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। सभी को कैथल के सिटी थाने में लाया गया लेकिन उसके बाद पुलिस ने लॉकडाउन की उल्लंघना का मामला दर्ज किया। ये लॉकडाउन के पालना करवाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी सरकारी गाड़ी में हमारे पुलिस कर्मचारी गश्त कर रहे थे तो वहाँ अम्बाला रोड पे एक हेल्दी सपा सेंटर है, उसके बाहर तीन लड़के नौजवान और चार लड़कियाँ खड़े थे जो जिनके चेहरे पर मास्क वगैरह कुछ नहीं था, जो पुलिस की गाड़ी को देखकर एकदम सपा सेंटर के अंदर एंट्री कर गई। पुलिस वालों ने उनको ढूंढा तो जो सपा सेंटर का मालिक है मोंटी वो तो भाग गया किसी चोर रस्ते से, और एक लड़का रोहित है, एक विकास है और ये चार लड़कियां हैं नीलिमा बंगाल की, सुचित्रा महेंद्रगढ़ की, नुरसमा खातून पूर्णिया बिहार की और गुरमीत इशार की। तो ये दो लड़के और चार लड़कियां मिले हैं जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, बिना मास्क के इकट्ठे हुए हैं, डीसी साहब के आदेशों की अवहेलना की है, उनके खिलाफ़ मुकदमा नंबर 239 और धारा 269 188 IPC व 51-54 DM Act का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। कैथल से विपिन शर्मा, भारद्वाज की रिपोर्ट।